नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त संचित और स्वागत करता हूं उस प्लेलिस्ट में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पर। और आज इस वीडियो में बहुत बेसिक डिस्कशन से स्टार्ट करूंगा, बात करूंगा व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि जो बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए। हालांकि कभी कभी सोचने में ऐसा लगता भी है कि इतनी फंडामेंटल बातें डिस्कस करना ज़रूरी भी है कि नहीं है, लेकिन फिर वही बात है, आगे जाके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ आएंगे, कंसेप्ट आएंगे, लेकिन जो नींव है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो 5 मिनट ही सही, लेकिन एक फंडामेंटल डिस्कशन करना ज़रूरी है कि भाई आखिर कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। यहाँ पर एक सलाह आपको देना चाहता हूँ क्या, कि इस तरह की चीज़ों में ना कभी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग किताबें हैं, लोगों की अलग अलग समझ है, लोगों के लिखने का क्राइटेरिया अलग अलग है। तो आप ऐसा अगर सोचेंगे बिना कि सर एक सिंगल फाइनल डेफिनेशन बताओ ना कंप्यूटर नेटवर्क्स की, ऐसा नहीं होगा। मजे की बात, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हर किसी के हिसाब से, हर किसी के आइडिया के हिसाब से चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफर हो सकती हैं। अब मैं जो डेफिनेशन यहाँ लिखने जा रहा हूँ या जिस पर आप डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ये मेरे अकॉर्डिंग यू नो बेस्ट डिस्क्राइब करती है इस आइडिया को सबसे जनरलाइज पैटर्न में। बट अगेन, इसको भी रटिएगा मत, इस बात को समझिएगा तो सही मायने में हमारी लर्निंग होगी। क्या लिखता हूँ, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन, कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा, विच अलाउड डिजिटल डिवाइसेस, कुछ पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, डिजिटल डिवाइसेस टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन ईच अदर यूजिंग वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन टू शेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि मान लीजिए टेलीकम्युनिकेशन मीन्स, वैसे कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करना, टेली मीन्स दूर से बातचीत करना, इजंट इट, टेलीपैथी, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन, लाइक दिस। तो जब हम दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, हालांकि यहाँ पर हम कम्युनिकेशन का मतलब क्या निकालेंगे, डेटा से, डेटा कम्युनिकेट कर पा रहे हो बिटवीन द डिजिटल डिवाइसेस। अब यहाँ पर मैं इसको कंप्यूटर नहीं बोलना चाह रहा, बिकॉज ये बात तो आप भी समझते हैं, आज के टाइम पे इंटरनेट से क्या सिर्फ दो कंप्यूटर्स को ही हम कनेक्ट करते हैं जो पहले साइबर कैफे में हम जाके इस्तेमाल किया करते थे? नहीं, तो आप देखोगे इवन प्रिंटर्स, ये सब ऐसी बातें नहीं जो आपने कभी देखा नहीं है, मोबाइल फोन्स कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है, टैबलेट कनेक्टेड है। तो यानी कि ये सब क्या यार, हमारे एयर कंडीशन, आजकल टेलीविज़न, वो आप क्रोमकास्ट लगा के देखते हैं, ट्यूबलाइट्स तक स्मार्ट बल्ब आ रहे हैं, तो हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं निकालना कि मैं सिर्फ कंप्यूटर की बात करूँ, मैं किसी भी डिजिटल डिवाइसेस की बात करूँ, इसलिए मैंने कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल बोल रहा हूँ डिजिटल डिवाइस जब आप कनेक्ट करते हैं नाउ यूजिंग वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने ऑब्वियसली कॉलेज में यूज़ किया होगा, हॉस्टल्स में लैन वायर होते हैं, आप वायर कनेक्शन भी कर सकते हैं, मोबाइल फोन पर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, नाउ दैट्स अ वायरलेस कनेक्शन। तो वायर्ड वायरलेस दोनों तरह के कनेक्शंस होते हैं, जिस भी तरह से, एक तरीके इतनी बड़ी खिचड़ी जिसमें अलग अलग तरह के डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ती जाएंगी और कॉम्प्लेक्स ही होता जाएगा, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, वायर्ड हो, वायरलेस हो, इन सबको जब हम कनेक्ट करते हैं फंडामेंटली फॉर डेटा कम्युनिकेशन। हाँ, उससे एडवांटेज क्या आएगा, आगे जाके इसकी बात करूंगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की हम शेयरिंग कर पाते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। हार्डवेयर की शेयरिंग कैसे, सर अगर 4 कंप्यूटर हैं और प्रिंटर मेरे पास 1 है, तो क्या ये सब प्रिंटर इस नेटवर्क की मदद से, कंप्यूटर इस नेटवर्क की मदद से प्रिंटर शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब हार्डवेयर शेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। मैं अपने सिस्टम से अगर आपको एक्सेस दूँ या आपके सिस्टम का कंट्रोल हो, तो आपके कोई फाइल्स रीड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। या इवन अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, यू नो बेसिकली मैं अपना सॉफ्टवेयर रिसोर्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, यूट्यूब के सर्वर के माध्यम से बिल्कुल कर रहा हूँ। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी भी तरह की शेयरिंग हो सकती है, इस पूरे आइडिया को हम बोल रहे हैं नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। अगर थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन डिफाइन करूँ तो देखिए क्या लिखता हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड बाय अ सिंगल टेक्नोलॉजी। ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार। हर कंप्यूटर अपने आप में इंडिपेंडेंट है क्या? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो देखिए इनमें हज़ार बातें डिफरेंस हो सकती हैं, इनमें सॉफ्टवेयर डिफरेंट होगा, इनमें हार्डवेयर डिफरेंट हो सकता है, इनका प्रोसेसर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी ज़रूर होंगी जिन पे इन सब की अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी तो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इजंट इट। तो आगे समझेंगे, IP प्रोटोकॉल है, TCP है, से बहुत सारे प्रोटोकॉल सूट हैं जो ये सब एक साथ मिलकर फॉलो करते हैं, तभी आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर नेटवर्क की। अब इंटरनेट यहाँ पर क्या गोल प्ले करता है, इंटरनेट क्या है? देखिए नेटवर्क्स, आगे मैं बात करूँगा इस पर तफसील से, डिस्कशन से,
नेटवर्क्स तो बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। मेरे स्टूडियो में एक छोटा सा नेटवर्क मैंने लैन बनाया हुआ है। किसी कॉलेज में आप देखें, आपके कॉलेज में बहुत बड़ा नेटवर्क आपको मिलेगा। किसी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और बड़े बड़े नेटवर्क्स मिलते हैं, इसरो में, DRDO में, लाइक दिस। बट यू नो, जब हम बात करते हैं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क की, इन सारे छोटे छोटे अलग अलग नेटवर्क्स को जब हम मिला देते हैं तो बनता है इंटरनेट, यानी कि विच इज़ द बिगेस्ट नेटवर्क। हर नेटवर्क को मिला के दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। देखिए, आज के टाइम पे अगर बात करूँ ना, पहली वीडियो क्योंकि है ये कायदे से नेटवर्क्स की, तो बात सिर्फ डेफिनेशन की नहीं है, बात यूजेज की भी है। ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस स्टेज पे आप हैं पिछले 10-20 साल में, जो रिवॉल्यूशन आप इस दुनिया में देखते हैं, मेरा मानना है उसमें से 90% लेना देना इंटरनेट का है। बिकॉज इंफॉर्मेशन थी आज से पहले, मानव की पूरी सभ्यता में इंफॉर्मेशन थी, बट वो कुछ लोगों के हाथ में थी। जब आपने इस पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया, तो अभी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स है ना। अब आप देखिए, ये ताऊ जी बहुत खुश हैं। खुश क्यों हैं? इस स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा है। अब वो इंटरनेट अकाउंट में ये अपना अकाउंट बैलेंस देख रहे हैं, पेंशन क्रेडिट हुई है, या क्या बोलूं, करीना कपूर का कोई वीडियो सॉन्ग देख रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये लोग इतने खुश हैं। बट अल्टीमेटली कोई ना कोई रिसोर्स ऐसा है जो इंटरनेट के माध्यम से चुटकी बजाते ये एक्सेस कर पा रहे हैं, इसीलिए इतना खुश हैं और इसीलिए एम्पावर्ड फील कर रहे हैं। अगर दुनिया की बात करूं तो अभी 2020 में लगभग लगभग 5.69 बिलियन, यानी के लगभग 550 करोड़ डिवाइसेज हैं जो इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं। एंड दिस आइडिया मेक द एंटायर थिंग फिनोमिनल। तो आपका सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है, बाद में प्रोफेशनली ये बाद में आपके काम आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन इससे आप बहुत सारी फंडामेंटल बातें ज़रूर सीखेंगे जो डे टू डे ऑपरेशंस में भी फ्यूचर में आपके काम आने वाली हैं। तो नेटवर्क अलग अलग शेप, साइज, फॉर्म्स में हो सकते हैं, बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट इन सबको जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो बन जाता है नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट। और अगर मैं थोड़ा सा और इस पर बात करूँ, तो मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, देखो भाई, इंटरनेट मीन्स एम्पावरमेंट। जब आप हर सिस्टम को कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पर शायद ये आंगनवाड़ी की महिलाएं हो सकती हैं, या फिर किसी बेसिक स्कूल्स में टीचर्स हो सकती हैं। अब इन सबको भी टीच एक ऐसा इमेज से लग रहा है, इनको शायद ट्रेनिंग दी जा रही है मोबाइल फोन्स की या डिवाइसेस चलाने की। देखिए, हर चीज़ में बहुत स्पीड आ सकती है ना। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल, आंगनवाड़ी में सही खाना बच्चों को दिया गया कि नहीं दिया गया मिड डे मील में, जस्ट हम बोल सकते हैं आप जब भी खाना सर्व करेंगे एक फोटो क्लिक करेंगे और DM ऑफिस को फोटो व्हाट्सएप करेंगे, तो विद इन यू नो डेली अपडेट देख के मेरे को पता लगेगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। ताऊ जी तो लठ लेके आए हैं। अब ये लठ क्यों लेके आए हैं? बच्चों का वाइवा ले रहे हैं या अगेन बैंकिंग या अपने इलाके के किसी नेता से बात कर रहे हैं? बट दैट इज एन एम्पावरमेंट, इजंट इट? सारी इंफॉर्मेशन मैडम शायद प्रौढ़ शिक्षा अभियान के थ्रू कुछ सिखा रही हैं, कुछ पढ़ा रही हैं, कुछ दिखा रही हैं, बट आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं चेहरे पे। तो इंटरनेट जो है या नेटवर्क जो है, ये जो सब्जेक्ट जो है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसका थ्योरेटिकली तो आपके लिए इम्पोर्टेंस है ही है। आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े नेटवर्क्स बनने वाले, और भारत जैसे देश में तो इंटरनेट मीन्स एम्पावरमेंट। एक बात प्रूफ करने के लिए आपको बताता हूँ, लुक एट दिस ग्राफ। वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है और यहाँ परसेंटेज के हिसाब से कुछ दिखाया जा रहा है। जो डार्क ब्लू कलर में है वो 90-100% तक जा रहे हैं, जो बिल्कुल ब्लैक है दे लाइक 0-9%, और इस तरह से आप कलर कोड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। सोचने में लगता है किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है? क्या ये बता रहा है कि किस देश की वेल्थ कितनी ज़्यादा है, किस देश की आर्मी कितनी स्ट्रांग है, किस देश की एजुकेशन लिटरेसी कितनी अच्छी है, और या किस देश में कितना अच्छा नेटवर्क है, है ना? तो वैसे दिस ग्राफ टेक्निकली रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क। और आप देख रहे हैं डार्क ब्लू में कौन लोग नजर आ रहे हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, UK, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ये कंट्रीज कुछ नजर आ रही हैं। इवन डार्क ब्लू के अंदर पूरा यूरोप आपको नजर आ रहा है, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर दिख रहा है, जापान देखो वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क, साउथ कोरिया, लाइक दिस। और डार्क में अफ्रीका के ज्यादातर देश नजर आ रहे हैं, है ना, यही सारी कहानी है। इवन इंडिया भी मिड येलो में, यानी कि 50-60% की कैटेगरी में आ रहा है। टेक्निकली इंटरनेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिस देश में जितना अच्छा नेटवर्क होगा ना, वो उतना ही एम्पावरमेंट होगा। तो जैसे बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, तो भाई रोटी कपड़ा मकान के बाद चौथी चीज़ जो है वो है नेटवर्क। तो वी नीड गुड नेटवर्क ताकि सारा इन्फॉर्मेशन जल्दी से एक्सेस कर पाएं और चीज़ों पर आगे काम करें। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो का कंक्लूजन क्या है, नेटवर्क की बेसिक डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है, किस तरह से आप फंडामेंटली नेटवर्क के साथ डील कर सकते हैं, बट हमें ये भी समझना है कि इतनी इसकी कितनी इंपॉर्टेंस क्यों है और क्यों आपको इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके आगे पढ़ना है। थैंक यू सो मच।
यूनिवर्सिटी एग्जाम्स गेट नेट या अदर एग्जामिनेशंस में अगर सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो नॉलेज गेट के डिफरेंट कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी ऐप डाउनलोड करिए।